यू मी और टीवी पे हम मना रहे हैं वैलेंटाइन वीक, और वैलेंटाइन वीक पे हम भला आपकी और अपनी रोशनी यानी कि निकी को कैसे भूल सकते हैं, और निकी के ऑफ स्क्रीन या और रियल लाइफ पीयूष कह सकते हैं हमारे साथ हैं। आसिफ, आपका स्वागत है यू मी और टीवी पे। हाय, आज टेरी डे है और रोशनी एके निकी उसे सरप्राइजेज बहुत पसंद है ऑलवेज। मैं हमेशा उसे सरप्राइज करने की कोशिश करता हूँ। तो इनफैक्ट ये वैलेंटाइन वीक है तो मैं पहले से सोच रहा था कि कुछ ना कुछ हो जिससे मैं उसे सरप्राइज कर पाऊँ। तो आज टेडी डे है और मैं कुछ लेके आया हूँ उसे सरप्राइज करने के लिए। आई एम ऑल प्रिपेयर्ड एंड रेडी। तो मैं उसके घर पे जाने वाला हूँ और वहाँ पे उसे सरप्राइज करने वाला हूँ। अच्छा, ये बताइए आसिफ, वैलेंटाइन से रिलेटेड इफ यू एनी मेमोरी इफ यू वांट टू शेयर, आपने पहले कभी इस तरह सरप्राइज दिया है निकी को? मैं एक्चुअली निकी को हमेशा सरप्राइजेस देता हूँ कि उसे, जैसे मैंने कहा अभी, उसे बहुत पसंद है। इनफैक्ट उसके बर्थडे पे भी मैंने उसे, उसका 22nd बर्थडे था रिसेंटली, तो मैंने 22 बुकेज मंगाए थे उस दिन और कार्ड्स मंगाए थे। कुछ मैंने उर्दू में लिखा था और उसका पेंटिंग्स बना के मैंने उस पे लाया था। 12 बजे सब बुकेज आए थे और बहुत सारे लोग घर पे थे। तो बहुत सरप्राइज हो गई, शी वॉज जस्ट स्टंड एंड यू नो शी डिडंट नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू रिएक्ट। तो लास्ट वैलेंटाइन्स पे भी मैंने उसे छोटा सा सरप्राइज दिया था और अब आज भी वही मैं प्लान कर रहा हूँ कि कुछ सरप्राइज हो और वो थोड़ा एक्साइट हो। तो बिकॉज द एक्साइटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी रिलेशनशिप। तो बस वही कोशिश है। ऑल राइट, ठीक है, हम वक्त जाया नहीं करते और बाकी की बातें हम ऊपर करेंगे, तब तक हम चलते हैं। सो निकी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बनता ही है, हमने से फोटोज में देखा है उन्हें, आप हमें बताइए। सो क्योंकि वैलेंटाइंस डे है तो आई वांट यू गाइस टू मीट समबडी स्पेशल, नॉट दिस वन बट दिस वन। सो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, क्योंकि मैं इनका नाम नहीं लेती। क्या बोलूं, मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन हो गया, अच्छा हो गया। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये सरप्राइज आ रहा है और विंटर वहाँ पे सोच रहा है कि ये इसके हाथ में क्या है जो रिप्लेस कर रहा है मुझे। एंड ऑनेस्टली आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस। और कोई सरप्राइज है कि आज के लिए इतना काफ़ी है? इतना काफ़ी है, अच्छा ठीक है। बट थैंक यू सो मच नवीन। इफ यू वांट टू से अबाउट निकी, अगर कुछ आपको कहना है उनके बारे में? निकी, शी इज अ वेरी यू नो जनरस पर्सन एंड वेरी लविंग पर्सन एज एवरीबडी नोज। और जैसे मैंने कहा, उसे सरप्राइजेस बहुत पसंद हैं और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उससे मैं सरप्राइज करूँ। इवन जब हम लोग बाहर जाते हैं डिनर पे वगैरह, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उसे सरप्राइज करूँ। जैसे मैंने आपको कहा था, हर ओकेजन पे मेरी कोशिश रहती है कि मैं उससे कुछ ना कुछ सरप्राइज दे दूँ। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, वो ये कि कैसे आप लोग मिले? जब हम मिले, एक्चुअली हम मिले मतलब ऐसे ही थे, कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू। एंड सबसे वियर्ड ये है कि मतलब मुझे एकदम इनिशियली आई गॉट स्केर्ड ऑफ हिम, थोड़ा नो यू आर अ लिटिल इंटिमिडेटिंग, नो सो आई वाज अ लिटिल स्केर्ड। बट देन या थोड़ा टाइम हुआ, एक महीने दो महीने, वी यूज टू गो फॉर ग्रीन टी। लोग कॉफी के लिए जाते हैं, हम ग्रीन टी के लिए जाते हैं, यू नो ऑब्वियसली। इनिशियली वो ज़्यादा बात भी नहीं करती थी और फर्स्ट 3 months में उसने मेरे सामने कभी कुछ खाया ही नहीं है एक्सेप्ट ग्रीन टी। तो 3 महीने में हम लोग खाली ग्रीन टी पीते थे, वो कभी कुछ खाती ही नहीं थी। तो मैं हमेशा सोचता रहता कुछ खाती भी है कि नहीं। अब मैं बहुत खाती हूँ, अब मैं पेट भर के खाती हूँ। तो या लाइक
थोड़ा थोड़ा ऐसे रोज मिलते थे एंड या उसके बाद तो किसने किसको प्रपोज किया पहले? ही ऑब्वियसली ही इज द गाय. नहीं मतलब एक्चुअली नोबडी प्रपोज्ड एनीबॉडी एज सच, तो इट वाज जस्ट अज्यूम दैट प्रपोज ऐसे मुंह से नहीं बोला, बट यू नो होता है आपके एक्शंस यू नो दे स्पीक. तो वैसे किया था मैंने, लेकिन उसने इनिशियली माना तो नहीं था. तो फिर मैंने एक दो दिन के बाद उसे एक लंबा लेटर भेज दिया लिख के. तो कम एटीट्यूड खाना चाहिए. पहले से प्रैक्टिस था क्या डांस का, या फिर ऐसा था कि यार नवीन आने वाला है तो डांस किया था कि चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं? बड़ा ही अच्छा डांस किया आप लोगों ने. पहली बात तो इट वॉज अ सरप्राइज आप लोगों की तरफ से, मुझे बिल्कुल नहीं पता था, सो इट वॉज इन रिहर्स्ड. लेकिन आई थिंक या वेन टू पीपल यू नो दे हार्ट्स आर कनेक्टेड, सो आई थिंक इवन देयर फीट लाइक यू नो साथ में ही यू नो इट्स जस्ट लाइक अट्यून्ड. एक्चुअली हमेशा लास्ट टाइम भी जब डांस किया था तो मैं तो उनको ही कॉपी कर लेता हूँ दो चार स्टेप्स, वरना उससे ज़्यादा तो मुझे कुछ आता नहीं है. सो आज भी मैंने थोड़ा उनके साथ साथ में कर दिया, मैनेज कर लिया. अच्छा इस वैलेंटाइन कुछ सरप्राइजेज हैं या फिर कुछ प्रिपरेशन है, क्या चल रहा है बताइए हमें. नहीं वैलेंटाइन्स के लिए भी सरप्राइज है, लेकिन वो सरप्राइज ही है और बाद में मैं आपको बता दूंगा. हाँ क्योंकि अगर मेरे सामने बताया तो अभी से इट शुडंट बी आउट, फिर मजा नहीं आएगा. मजा नहीं आएगा. चलिए फिर जाते जाते टू ऑल द व्यूअर्स, निकी व्हाट यू वांट टू से दिस वैलेंटाइन? आई वांट टू से दैट प्लीज सेलिब्रेट योर वैलेंटाइन्स डे विथ ऑल योर लव्ड वंस, एंड दैट जस्ट डजेंट मीन दैट यू नो योर बॉयफ्रेंड और योर गर्लफ्रेंड योर फियांसे, बट योर पेरेंट्स योर फ्रेंड्स, बिकॉज इट्स द डे इज अबाउट लव. So, I say have a blast. Anything you, if you want to say, Asif? I think the same thing. Valentine's is about love and sharing love with people. So, I wish that everyone should share love with each other and have a good time. Right. Thank you so much, guys. Thank you. Camera person Bhuvan ke saath Naveen Singh Bhardwaj, E24 Mumbai.